हेलो फ्रेंड्स, SSR टेक्निकल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक्सेल में स्मार्ट अटेंडेंस कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सबसे पहले डेस्कटॉप पर राइट क्लिक करिए और आप पर न्यू में जाकर यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल वर्कशीट इस ऑप्शन पर क्लिक करें और यहाँ पर इसका नाम आप पहले से ही दे दीजिए, स्मार्ट अटेंडेंस, या फिर इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर लीजिए। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक्सेल का विंडो ओपन हो चुका है। तो यहाँ के इस एक्सेल के कुछ बेसिक फीचर्स मैं आपको पहले बता दूँ। सबसे टॉप में जो होता है, जैसा कि जहाँ पर आपको अपनी फाइल का नाम दिखता है, स्मार्ट अटेंडेंस डॉट एक्सेल एस एक्स जो दिख रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा है, इसे हम कहते हैं टाइटल बार। और हर टाइटल बार में आपको ये तीन बटन तो मिलेंगी, ये होता है मिनिमाइज, फिर रिस्टोर डाउन और क्लोज, या रिस्टोर डाउन को मैक्सिमाइज भी बोला जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पर जो ये बटन मिलता है, ये होता है ऑफिस बटन। इस पर क्लिक करके आप न्यू फाइल ओपन कर सकते हैं, पुरानी फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, सेव, सेवर्स, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज, और एक्सेल ऑप्शंस और एग्जिट्स, एक्सेल एग्जिट भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ होते हैं। और यहाँ पर जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये होता है सेव का बटन और ये होता है आपका अंडू और रीडू। और यहाँ जो आप देख रहे हैं नीचे, ये होता है इसका, ये होती है होम टैब, ये मेन्यू बार होता है इसका, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलास, डेटा, रिव्यू और व्यू, ये सारे इसमें टैब होते हैं। और इनके अंदर ये जो भाग देख रहा है, जैसे अभी हम होम टैब में हैं, इसे हम कहते हैं रिबन, या फिर टूल्स भी कह सकते हैं। ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है, जैसे कि पहला सेक्शन क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स और एडिटिंग, ऐसे अलग अलग होता है। फिर उसके नीचे आप जैसा दिख रहे हैं, यहाँ पर A1 जो लिखा है, ये होता है आपका नेम बॉक्स। यहाँ पर आपने कौन से बॉक्स पर क्लिक किया होगा, उसका नाम ये यहाँ पर दिखाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये चेंज किया, देखिए यहाँ पे तो D4 आ गया है, क्योंकि हम अभी कौन से कॉलम में हैं, D, और कौन सी रो पे हैं, हम 4। तो ये नेम बॉक्स के अंदर ये दिखाता है। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं FX, यहाँ ये होता है फॉर्मूला बार, यहाँ पर आप फॉर्मूला टाइप भी कर सकते हैं और फॉर्मूले को देख भी सकते हैं। फिर देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर पूरे अल्फ़ाबेट लिखी हुई है, ए फिर बी सी डी ई एफ करके से पूरा जेड तक और भी आगे तक कॉम्बिनेशंस होते हैं उस अल्फ़ाबेट के। तो इन जो ऊपर से नीचे जो आपकी अल्फ़ाबेट आती हैं, उसे हम बोलते हैं कॉलम। इसे क्या कहेंगे हम, ये कॉलम होता है अब ऊपर से नीचे की तरफ जाने वाला। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर नंबरिंग डली हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा अनलिमिटेड तक नंबर ये जा रहा है नीचे तक। तो ये हमारी होती है, जो लेफ्ट से राइट की ओर जो लाइनिंग जा रही है वो होती है रो, है। और अगर आपको एक्सेल में जानना है कि टोटल रो और कॉलम कितने होते हैं, तो ये देखिए, कॉलम और रो जो ए ए कॉलम और वन वन नंबर की जो रो है, उसके बीच में जो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिखता है, यहाँ पर आप क्लिक डबल क्लिक करके रखें, तो यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है 10,48,576 R, R यानी कि क्या होगा, रो, और 16,384 क्या होगी, सी, सी यानी कि कॉलम। तो ये टोटल इसमें इतने होते हैं, इतनी सारी रो और इतने सारे कॉलम होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी स्मार्ट अटेंडेंस बनाना। देखिए, अगर सबसे पहले हमने क्या लिखा है, सीरियल नंबर दिया है हमने, और उसके बाद हमने क्या दिया है, स्टूडेंट नेम। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंट नेम जो है, और स्टूडेंट तो यहाँ आ रहा है इस बॉक्स के अंदर, इस सेल के अंदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नेम जो है वो यहाँ से बाहर जा रहा है। तो हम बी और सी के बीच में, यहाँ पर जैसे आप पॉइंटर को लाएंगे तो आपको डबल एरो दिखेंगे इस टाइप से, है ना। तो यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा, कॉलम की जो साइज़ है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। और यहाँ पर जैसे कि हमें 10 स्टूडेंट्स के लिए अभी स्मार्ट अटेंडेंस बनाना है,
तो हम यहाँ पर जैसे कि आप ब्लैक डॉट देख सकते हैं, इस पर पॉइंटर को ले जाएंगे और डबल क्लिक करके इसको 11 तक ले जाना होगा हमें। 11 तक क्यों ले जाएंगे हम? क्योंकि हमने 1 नंबर पे सीरियल नंबर का कॉलम जो हेडिंग डाला हुआ है, और यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, ये होते हैं ऑटो फिल ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिल सीरीज़ में जाएंगे हम। देखिए इस प्रकार आप ये फिल सीरीज़ डाल सकते हैं ऑटोमेटिकली। फिर यहाँ पर हम नाम डाल देंगे अपने हिसाब से, एग्जाम्पल के लिए। ये देखिए इस टाइप से हमने नाम में एंटर कर दिए हैं, और यहाँ पे भी हम क्लिक करके इसको ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बी और सी के बीच में करके बताया था, वैसे ही हम सारे कॉलम को ऑटो एडजस्ट यहाँ पर डबल क्लिक करके कर सकते हैं। देखिए फिर हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अगले जो स्टूडेंट नेम के आगे, हमें यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्चुअल में हम क्या करते हैं, थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। स्टूडेंट नेम के अंदर ही हम आगे स्लैश लगाकर यह लिख देते हैं डेज, और इसको हम और आगे बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ से हम डेज दे देते हैं, जैसे कि 1 महीने की हम अटेंडेंस बनाना चाहते हैं। तो यहाँ से देखिए जैसा कि हमने इसको यहाँ से यहाँ पर ऑटो फिल किया था, वैसे हम लेफ्ट टू राइट भी ऑटो फिल कर सकते हैं। तो ये देखिए आगे तक इसको ले जाना है हमें, AG तक ले जाते देखते हैं हम। फिर यहाँ पर क्लिक करके ऑटो फिल करते हैं, और फिर हम यहाँ से स्क्रॉल आगे कर लेते हैं। देखिए 31 तक हो चुके हैं, है ना, 31 तक यहाँ पर हो चुके हैं। फिर वापस से हम आगे जाते हैं, और देखिए इसको भी अगर आप पास में लाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर होम टैब के अंदर ये जो सिलेक्शन रहने देना है, इसको होम टैब में जाना है। फिर आपको फिर यहाँ पे जाना है फॉर्मेट, और फॉर्मेट में जाने के बाद आपको ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करना है। ये देखिए तो ये सारे कॉलम जो है वो ऑटोमेटिकली पास में आ जाएंगे। ओके तो यहाँ तक हमारा, फिर हमें 31 के आगे लिखना है टोटल प्रेजेंट, फिर बाहर क्लिक कर देंगे और इसको ऑटो एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमें लिखना है टोटल अब्सेंट, फिर इसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर हमें निकालना है टोटल लीव, और इन्हें इसे भी हम एडजस्ट कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर से क्लिक करते हुए टोटल लीव तक और नीचे तक, है ना, एक कॉलम और नीचे तक हम सेलेक्शन कर लेंगे। इस टाइप से हम सेलेक्ट कर लेंगे, और फिर यहाँ पर हम जाएंगे होम टैब के अंदर फॉन्ट सेक्शन में, ये होती है हमारी बॉटम बॉर्डर। तो यहाँ पर हम जाके ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। इस टाइप से हमें ऑल बॉर्डर देना है यहाँ पे। ये देखिए अभी, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सपोज हम जनवरी 2020 का जो है वो अटेंडेंस बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए कि जनवरी में कौन कौन सी डेट पे संडे आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम कैलेंडर में देख सकते हैं डेट टाइम पे क्लिक करके, देखिए 5, 12, 19 और 26। तो 5, 12 और 19 और 26 को हम छोड़ देंगे,
और उनको हम क्या कर देंगे, उनके फ़ॉन्ट कलर चेंज कर देंगे, 512 19 और 26। सो फ्रेंड्स, इतनी टेबल और ये सब नाम लिखने के बाद और डेट डालने के बाद और ये हेडिंग डालने के बाद, यहाँ पर आपको अभी हम और संडे मार्किंग भी हमने कर ली, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, देखिए। तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे, प्रेजेंट के लिए हम लिख देंगे पी, फिर अब्सेंट के लिए हम लिख सकते हैं ए और लीव के लिए एल। तो ऐसे रेंडमली हम अभी PAL लिख देते हैं। देखिए इस टाइप से। और अभी हमें प्रेजेंट अब्सेंट और लीव से मतलब नहीं है, अभी हमें इसका जो मेन फॉर्मूला है उससे मतलब है। तो अभी हम यहाँ तक इसको कर देते हैं रोटेट, कॉपी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे जहाँ पर संडे की मार्किंग है वहाँ से हम इसको सेलेक्ट करके और डिलीट कर देते हैं। डिलीट कर दिया हमने जहाँ जहाँ पर संडे की मार्किंग है वहाँ से, क्योंकि संडे को तो क्लासेस नहीं लगती, हॉलीडे होता है। देखिए फिर फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, टोटल प्रेजेंट में जाने के बाद आपको यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर हमें लगाना है इक्वल काउंट इफ, फिर ब्रैकेट ओपन लगाना है। फिर देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये रेंज, रेंज को सेलेक्ट करना है। रेंज यानी कि 1 तारीख से लेकर 31 तारीख तक। और फिर यहाँ देखिए आपको कॉमा लगाना है। फिर क्राइटेरिया आपको क्या देना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें क्या सेलेक्ट करना है, प्रेजेंट के लिए हमें पी, फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो देखिए टोटल यहाँ पर 27 प्रेजेंट हो जो ही निकल गई अजय की। फिर देखिए इसी को हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे तो ये सारे सेल्स में ये फॉर्मूला लग जाएगा। फिर देखिए सेम टू सेम हमें अपसेंट निकालने के लिए इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर वापस से हमें रेंज को सेलेक्ट करना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर अपसेंट के लिए ए और फिर ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए यहाँ पर एक भी अपसेंट नहीं है, जहाँ जहाँ अपसेंट होगी वहाँ पर ये बताएगा। फिर देखिए सेम टू सेम इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, फिर रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा और फिर हम यहाँ पर कैपिटल एल लिख के और एंटर दबा देंगे। तो देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ पर लीव होगी वहाँ पर ये आ जाएगा। तो इस टाइप से हम स्मार्ट अटेंडेंस बना सकते हैं। और देखिए अब इसका हम हेडिंग बना देते हैं। तो हेडिंग बनाने के लिए पहले तो हम पूरा इसको, जो भी अपनी टेबल है उसको सेलेक्ट करके और कुछ पॉइंट नीचे ले लेंगे। देखिए हमने इस टाइप से हमें दो रो जो है उसको नीचे कर दिया यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमने ये स्पेस एडजस्ट किया है इसको पूरा हम सेलेक्ट करके और हम जाएंगे मर्ज एंड सेंटर, इसको मर्ज कर देंगे और एक ही ब्लॉक बना दिया हमने। देखिए फिर यहाँ पर इस ब्लॉक में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल में स्मार्ट अटेंडेंस 2020। और फिर इसको हम फिर बाहर एक बार क्लिक करेंगे, फिर अगेन ब्लॉक में क्लिक करेंगे और इसको हम फिर बोल्ड कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे और इसका इसको हाईलाइट कर देंगे, इसका फॉन्ट कलर हम चेंज कर देंगे इस टाइप से, इसका फॉन्ट स्टाइल भी हम चेंज कर सकते हैं जो भी हम रखना चाहें। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। और यहाँ पर हम इस फॉर्मेट टेबल को भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं, इस टाइप से फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं अलग अलग टाइप की।
ये देखिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो स्मार्ट अटेंडेंस वाला आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये अच्छा लगा है तो। धन्यवाद।